आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। सरकार ने भड़के शुरू हो रहे पार्लीमेंट के सर्दियों की रोज के समागम तो पहला आज एक सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी है। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारां की पहली भारत केंद्रीय एशियाई मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। इसने कहा कि केंद्रीय एशियाई देशों नाल संपर्क भारत लई अहम तरजीह है। राष्ट्रराज संविधान निर्माता डॉ बी आर अंबेडकर नूं उन्हां दे 67वें महापरिनिर्वाण दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। विश्व बैंक ने साल 2022-23 भारत की GDP विकास दर का अनुमान 6.5% तो वधा के 6.9% कर दिता है। कतर च फीफा विश्व कप फुटबाल च क्वार्टर फाइनल के आखिरी दो स्थानों लई जगह बनाने वास्ते स्पेन का मोरक्को नाल ते पुर्तगाल का स्विट्जरलैंड नाल मुकाबला होगा। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने पार्लीमेंट के सर्दियों की रुत के समागम तो पहला अज एक सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी है। मीटिंग विच केंद्र समागम दौरान पार्लीमेंट दीआं दोहां सभावां दे सुचारू कामकाज लई सहयोग मंगेगा। पार्लीमेंट का सर्दियों की रुत का समागम बुधवार शुरू होगा और यह 29 दिसंबर तक चलेगा। समागम दीआं 23 दिनां च 17 बैठकां होणगीआं। पहलां पार्लीमेंटरी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने समागम दौरान उसारू बहस और विधानक कामकाज होने की उम्मीद जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत की G20 प्रधानगी नाल संबंधित वख-वख पहलुआं बारे विचार वटांदरा करन लई एक सर्व पार्टी मीटिंग की प्रधानगी की। मीटिंग विच भारत तों सियासी नेतावां ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 प्रधानगी समुचे देश नाल संबंधित है और यह समुची दुनिया नूं भारत दीआं समर्थावां दिखाउण दा खास मौका है। श्री मोदी ने यह भी संकेत दिता है कि अज भारत प्रति आलमी दिलचस्पी और आकर्षण है जो कि भारत की G20 प्रधानगी की समर्था नाल होर वधेगा। उन्होंने टीम वांग काम करने की अहमियत ते जोर दिता और वख-वख G20 समारोहों के प्रबंध विच सारे नेतावां का सहयोग मंगिया। श्री मोदी ने कहा कि G20 की प्रधानगी रवायती महानगरों तों अगां भारत के हिस्सों का विखाला करन च मदद करेगी और देश के हरेक हिस्से की विलखणता सामने लियाएगी। प्रधानमंत्री ने उन्हां थावां जिथे G20 मीटिंग कराईयां जाणगीआं विखे सैर सपाटे नूं उत्साहित करन और स्थानक आर्थिकता नूं हुलारा मिलन की गल की। साबका प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, JP नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बैनर्जी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, YS जगनमोहन रेड्डी, सीताराम येचुरी और चंद्रबाबू नायडू समेत वख-वख सियासी पार्टियां के नेतावां ने भारत की G20 प्रधानगी बारे अपने विचार सांझे कीते। गृह मंत्री और खजाना मंत्री ने भी संखेप टिप्पणियां कीतियां। भारत दीआं G20 तरजीहां के पहलुआं बारे वेरवे सहित जानकारी भी दित्ती गई। G20 मीटिंगां जो कि एक साल के समय दौरान देश के वख-वख शहरां च होणगीआं देश की आर्थिक सुरजीती नूं वड्डा उत्साह देणगीआं। राजस्थान के उदयपुर में एक प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं G20 कारपियां बारे OST श्री मुक्तेश परदेसी ने कहा कि यह सैर सपाटा समर्था नूं उत्साहित करन अते देश के सभ्याचारक पहलुआं नूं मजबूत करन लई शुभ होएगा। उन्होंने कहा कि G20 मीटिंगां रोजगार पैदा करन नूं वधाउणगीआं जिस उपर COVID-19 महामारी दौरान उल्टा असर पिया सी। सीनियर अधिकारी ने कहा कि G20 मीटिंगां जो कि भारत की प्रधानगी तहत होणगीआं लोक लहर बन गई ने क्योंकि वड्डी गिणती विच लोक सफारती समारोह का हिस्सा बन रहे ने। उन्हां स्पष्ट किया कि जिथे G20 समारोह होणगे उत्थे लोक अंग्रेजी और फ्रेंच वर्गियां होर भाषावां सीखण लई कोशिशां कर रहे ने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने अज कहा कि केंद्रीय एशियाई देशों नाल संपर्क भारत की मुख तरजीह है। नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारां की पहली भारत केंद्रीय एशिया मीटिंग विखे बोलदिआं श्री डोवाल ने कहा कि शांतिपूर्ण सुरक्षित ते खुशहाल केंद्रीय एशिया साडे सांझे हित विच है। उन्हां अगे कहा कि दहशतगर्दी लई रकमां उपर रोक हरेक की बराबर तरजीह होनी चाहीदी है ते संयुक्त राष्ट्र के सारे मैंबरां नूं दहशतगर्द कार्रवाईयां विच शामल संगठनां नूं हमायत मुहैया करन तों गुरेज करन लई अपील की। उन्होंने अफगानिस्तान च सुरक्षा हालत का भी जिक्र किया ते कहा कि साडे सारयां लई एक अहम मुद्दा है। यह पहली बार है कि भारत कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान ते उज़्बेकिस्तान समेत केंद्रीय एशियाई देशां तों चोटी दे सुरक्षा अधिकारियों दे सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस विच अफगानिस्तान च सुरक्षा हालत अते उत्थों पैदा हो रही दहशतगर्दी दे खतरे नाल निपटण दे ढंग तरीकियां ते ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ए खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। राष्ट्रराज डॉ बी आर अंबेडकर नूं उन्हां दे 67वें महापरिनिर्वाण दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर नूं अज सवेरे नवी दिल्ली च पार्लीमेंट हाउस बगीचे च फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट कीती। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला, पार्लीमेंटरी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी अते कांग्रेस नेतावां सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्लीमेंट हाउस विखे डॉ अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। देश भर तों लखां पैरोकार महान नेता नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लई मुंबई च दादर विखे चैत्य भूमि च इकट्ठे होए। इस साल वड्डी गिणती विच लोकां दे चैत्य भूमि अते डॉ अंबेडकर नाल जुड़ियां होर थावां ते पहुंचण दी संभावना है, क्योंकि आलमी महामारी कारण पिछले दो साल बाबा साहेब दे पैरोकार इन्हां थावां ते नहीं जा सके सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर नूं उनां दे महापरिनिर्वाण दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है ते राष्ट्र लई उनां दी बेमिसाल सेवा नूं चेते कीता। उनां ने अपने सुनेहे विच कहा कि उनां ने संघर्षां ने लखां लोकां नूं उम्मीद दित्ती अते भारत नूं इक अजिहा व्यापक संविधान देण लई उनां दीआं कोशिशां नूं कदे वी भुलाया नहीं जा सकदा। विश्व बैंक ने अज कहा कि साल 2022-23 भारतीय आर्थिकता दे वाधे दी दर 6.9% रहेगी। इस ने अक्तूबर च वाधे दी दर 6.5% रहण दी पेशीनगोई कीती सी। इस ने अगे कहा कि भारत ने चुनौती भरे बाहरी माहौल दे बावजूद मजबूती दिखाई है। एक बयान विच विश्व बैंक ने कहा है कि इन चुनौतियां दे बावजूद भारत वालों मजबूत GDP वाधा दर्ज करन अते जबरदस्त घरेलू मांग कारण विश्व च सब तों तेजी नाल उभर रही आर्थिकतावां विचों एक बनन दी संभावना है। इसने कहा कि भारतीय आर्थिकता उभर रहे दूजे बाजारां दे मुकाबले आलमी प्रभावां तों कुछ ज्यादा सुरक्षित है। इसने कहा कि अजिहा भारत दा वड्डा घरेलू बाजार होण अते अंतरराष्ट्रीय व्यापार वहाव तों घट प्रभावित होण करके होया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दे सह प्रधान मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने नवी दिल्ली विच सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ मनसुख मांडविया नाल मुलाकात कीती है। इस मौके ते बोलदिया मंत्री ने कोविड महामारी दौरान फ्रंटलाइन सेहत संभाल वर्करां दी भूमिका लई उनां दी नायिका वजों शलाघा कीती। डॉ मांडविया ते श्रीमती गेट्स ने भारत च कोविड 19 महामारी दे प्रबंध विच आशा ते ANM वर्करां दी भूमिका बारे एक रिपोर्ट भी जारी कीती। श्रीमती गेट्स ने भारत दे सफल कोविड 19 टीकाकरण लई डॉ मांडविया नूं मुबारकबाद दित्ती ते महामारी दे प्रबंध विच बेमिसाल कोशिशां दी शलाघा कीती। हवा दे म्यार बारे केंद्री पैनल वल्लों ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान ग्रैप दी स्टेज 3 तहत लाईयां पाबंदियां दे मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शहर विच इस महीने दी 9 तरीक तक BS3 पेट्रोल ते BS4 डीजल 4 पहिया वाहन चलाउण ते पाबंदी ला दित्ती है। सरकारी हंगामी सेवावां ते चोण कार्ज विच लगे वाहनां नूं इस तों छोट दित्ती गई है। आदेश विच कहा गया कि जे कोई BS3 पेट्रोल जां BS4 डीजल 4 पहिया वाहन सड़कां ते चलदा पाया जांदा तां इस उपर 20,000 रुपए दा जुर्माना लाया जाएगा। कतर च फीफा विश्व कप फुटबाल च क्वार्टर फाइनल च जगह बनाउण लई अज स्पेन दा मोरक्को नाल मुकाबला होएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रातीं 8:30 बजे शुरू होएगा। क्वार्टर फाइनल च थां लई रातीं 12:30 बजे एक होर मैच विच पुर्तगाल दा स्विट्जरलैंड नाल मुकाबला होएगा। ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, क्रोएशिया, फ्रांस ते नीदरलैंड पहलां ही आखिरी 8 विच पहुंच चुके ने। अमरीकी पुलाड़ एजेंसी नासा दा ओरियन कैप्सूल वापस धरती ते परत रिहा है। नासा ने कहा कि जद ओरियन धरती ते परतेगा तां इस ने 22,50,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होएगी। मीडिया खबर अनुसार नासा अपने आर्टिमिस प्रोग्राम के हिस्से वजों ओरियन कैप्सूल ते इस नू दागण वाले रॉकेट लई होर मुश्किल उड़ाना की योजना बना रहे ने। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। सरकार ने भलके शुरू हो रहे पार्लीमेंट के सर्दियों की रुत के समागम तो पहला अज एक सर्व पार्टी मीटिंग सदी है। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारां दी पहली भारत केंद्रीय एशियाई मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। इसने कहा कि केंद्रीय एशियाई देशों नाल संपर्क भारत लई अहम तरजीह है। राष्ट्रराज संविधान निर्माता डॉ BR अंबेडकर नूं उनां दे 67वें महापरिनिर्वाण दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है ते विश्व बैंक ने साल 2022-23 लई भारत की GDP विकास दर का अनुमान 6.5% तों वधा के 6.9% कर दिता है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।